हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू एनालिसिस डेट इज सेप्टेम्बर 17 मार्च 2023 के बारे में। आज की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगे गाइस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ क्वेश्चंस करना, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गाइस, वो डिस्कस करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया बिहाइंड दी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। अगर आपको इससे रिलेटेड पता है तो फिर आप आंसर करेंगे। और इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन में दे रखा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोडेड इन स्पेस। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो अनदर प्लैनेट पर लैंड करता है आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि मिसाइल है उसको स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ रखा हुआ है, डी ऑर्बिट करा गया ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। डी ऑप्शन है, स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलॉन्ग अ कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन इट्स सरफेस। तो इसमें आपको देखना है और बताना है कौन सा आंसर होगा। सेकेंड आपका जो गाइस क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। तो आपको क्यूबिट रिलेटेड टर्म बतानी है कि इनमें से कौन सा जो मेंशन है क्यूबिट, वो किससे रिलेटेड है? क्लाउड सर्विसेज से, क्वांटम कंप्यूटिंग से, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से? तो वन ऑफ द इजी आंसर है ना, तो ये वाला आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक आपको दे रखा है क्लोज सर्किट टेलीविजन, सेकेंड इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज़ योर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपको इनमें से बता के बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ठीक होगा। टू ऑल द क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स ओनली, ठीक है? पीआईबी की गाइस कुछ न्यूज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रही हैं, तो हम डेफिनेटली उसको डेली बेसिस पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो आज की जो पहली न्यूज़ थी, इसमें देख लेते हैं हम उसके बारे में, वाइब्रेंट विलेज न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है ये। देखो, रिसेंटली ना यूनियन गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने एक अप्रूवल किया है, रेस कराया कि जो 7 न्यू हमारे ITBP हैं, यानी कि जो इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, बटालियंस है, उसमें हमने बोला है कि उसमें हम एलोकेट करेंगे, कुछ फंडिंग करेंगे और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि सोशल एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग, वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है जी? आगे कह रहा है जो कैबिनेट है उसने ये भी क्लियर किया है कि 4.1 किलोमीटर जो शिंकुला टनल है मनाली दारचा पदोम निम्बर में, वहाँ पर जो एक्सेस है उसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जाएगी टू लद्दाख, ठीक है? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई वी आर थिंकिंग अबाउट द सेम? इस वजह से है ताकि ना सिक्योरिटी ग्रिड स्ट्रेंथन हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, ताकि एक विंडो क्रिएट हो जिसमें ITBP रेस्ट कर पाए, रिक्यूपरेट कर पाए, अपने पर्सनल्स को ट्रेन कर पाए, लाइक दैट। तो डिसीजन ये भी लिया गया है कि एडिशनल बटालियंस को भी रेस किया जाएगा, ताकि इफेक्टिव मॉनिटरिंग बॉर्डर एरियाज़ की हो पाए, ठीक है? उसके बाद तीसरा कारण क्या है कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो है फाइनेंशियल पैकेज देने का बॉर्डर विलेजेस को, वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने का, वो यही है कि जब भी चाइना के साथ आके अगर इशू हो, स्टिल टू बी रिजॉल्व लॉन्ग द LAC है ना, वहाँ पे रहता ही है, तो PLA ट्रूप्स आर स्टिल स्क्वेटिंग, जैसे कि आपके देपसांग प्लेन में, देमचौक में, तो चाइना इज ऑल्सो अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? देखो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का क्या मतलब है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो गाइज होती है, ध्यान रखना उसके बारे में, कि वहाँ पर स्टेट और आपके यूनियन दोनों की फंडिंग होती है। तो यूनियन बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया, ताकि विलेजेस को नदन बॉर्डर के डेवलप करा जाए, वहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस किया जाए, स्पेशली जो बॉर्डर विलेजेस के आसपास रहती हैं। तो कौन कौन से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन कौन से बॉर्डर एरियाज़ को कवर करेगा, तो आपको याद रखना है हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और आपका और सिक्किम, ठीक है? ये आपको याद रखने हैं, 5 हैं जिन बॉर्डर एरियाज को किया जा रहा है। फर्स्ट फेज इसका चलेगा, कवर करेगा, तो क्रिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओनली विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत किया जाएगा ये काम। उसके बाद है कि दिस विल नॉट ओवरलैप विद बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के साथ ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, वो ये है कि इससे तहत क्या होगा, स्कीम को ना एड मिलेगी और फिर एक पता चलेगा कि भाई इकोनॉमिक ड्राइवर्स किसी लोकल एरिया में, नेचुरल एरिया या ह्यूमन या अदर रिसोर्सेज बॉर्डर विलेजेस में कैसे कैसे एलोकेट करने हैं, ठीक है? और उनसे कैसे इकोनॉमिकली बेनिफिट क्रिएट करना है। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ सेंटर्स का भी करा जा रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल है जिसमें कि प्रमोशन किया जाता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का, एम्पावर किया जाता है यूथ को, वुमेन को, थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप।
फिर टूरिज्म पोटेंशियल को क्रिएट करना, सस्टेनेबल इको एग्री बिजनेस क्रिएट करना, वन विलेज वन प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट निकाल कर आना। तो ये जो सारे गाइज इसके हैं ना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सारे आपके फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट गाइज। देखो आज जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएंगी लेट्स डिस्कस ओनली दैट, ठीक है ना, क्योंकि हम टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमारी वीडियोस ऐसी होती हैं जो उसमें सिर्फ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही चीज़ें करवाई जाती हैं। तो आज की जो पहले यहाँ पे न्यूज़ आई है ना, वेट कंटिन्यूज इन तमिलनाडु फॉर सेंटर्स पिन्यार ट्राइब्यूनल। आप सबसे पहले ये समझ लो मारकंडा एक ना पिन्यार ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पर एक तमिलनाडु ने अपोज किया था चेकडैम वाला वर्क, ठीक है, बाय कर्नाटका। तो यहाँ पर ना एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, रिवर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए सेंटर ने एक पिन्यार रिवर के लिए ट्राइब्यूनल बैठाया था। ये बात की गई थी कि कैसे दोनों स्टेट्स का जो भी क्लैशेस आ रहे हैं वो ख़त्म किए जा सकें। जो भी क्योंकि तमिलनाडु कह रहा है कि उसने एक ओरिजिनल सूट की थी, ये जो कंस्ट्रक्शन है चेक डैम का रिवर डाइवर्जन जो स्ट्रक्चर किया जा रहा है रिवर का, इससे उन्हें दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर कंप्लेंट गई थी, तो अभी भी लेकिन इस पे जो ट्राइब्यूनल है कोई भी अभी इससे रिलेटेड कुछ लेकर आया नहीं है। तो आपको मेन मकसद क्या याद रखना है, इंटर वाटर डिस्प्यूट कौन सी इसका स्टेट्स के बीच में चल रहा है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, किस रिवर और किस ट्राइब्यूटरी के बीच में चल रहा है ये जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मारकंडा कौन सी किसकी ट्राइब्यूटरी है, पेनियार ट्राइब्यूटरी है, ध्यान रखना है आपको। गाइस लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज़। आज ना देखो स्पॉटलाइट में ना स्ट्रे डॉग्स टर्न्स चाइल्ड किलर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। इसमें देखो अभी ना रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ विलेज एरियाज़ में ना एक डॉटर को डॉगी जो था वो खा गया, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इसमें डिबेट भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कॉट बिटवीन एक्टिविस्ट आस्किंग फॉर अ बिग पिक्चर परस्पेक्टिव डैट इंक्लूड्स एन इफेक्टिव एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम लाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है, ताकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी से कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब उन्होंने बताया भी रखा है कि एक जगह पर है ना लाइक उत्तर प्रदेश की सी बी गंज बरेली में कुसुम गंगवारकर थी, वॉज गैदरिंग हर बैग टू गो टू द मार्केट, शी वॉज प्रिपेयरिंग हर थर्ड बर्थडे अपनी यंग डॉटर का, वो बनाने जा रही थी, उसने हलवा वगैरह भी बनाया, शी वॉज स्टेपिंग ऑन टू बाय सम शुगर है ना वगैरह वगैरह। तो शी हर्ड अ कमोशन, तो शी वर्ज शी सॉ पीपल रनिंग टूवर्ड्स द एम्प्टी प्लॉट नेक्स्ट टू हर हाउस, एंड उसकी पता चला कि भैया डॉटर ले इन द पूल ऑफ ब्लड। सोचो कहाँ तो वो बर्थडे मनाने जा रही थी और कहाँ उसके साथ ऐसा हुआ कि डॉगी उसको खा गया। तो एक लास्ट डिबेट गाइस चल रही है इससे रिलेटेड, और एक बहुत पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जो 2022 से ही चल रहा है और उस पर काफ़ी मोमेंटम देखने की मिल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ किलिंग देखने को मिली है इन इंडिया। ग्रुप ऑफ पीपल इसको अपोज भी कर रहे हैं, हॉस्टाइल पोजीशंस भी अपना रहे हैं, लेकिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए। तो वन सेट ऑफ सिटीजन वॉन्टेड टू कुल द सिटीजन, जितने भी स्ट्रे डॉग्स चाहते हैं बिल्कुल ही हटा दिए जाए, है ना। या तो कुछ कहते हैं कि भाई बेटर बर्थ कंट्रोल मेजर्स लिए जाएँ, फैसिलिटीज़ दी जाए केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स को, है ना, दो तरह की बातें आ रही हैं। तो गवर्नमेंट के डेटा से अगर आप बात करोगे तो गवर्नमेंट डेटा ये कह रहा था कि 2022 के अंदर ही 11,467 पीपल को काटा गया है डॉग को बाय डॉग। तो हाउएवर जो आपके आई वी आर आई है डेट इज़ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली का, फिगर इज़ फार लोअर दैन द एक्चुअल नंबर, ऐसा भी बताया गया है। WHO खुद कह रहा है कि स्टेट दैट द कंट्री अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेबीज डेथ इन द वर्ल्ड, वो इंडिया ही बताओ, 17.8% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया जिसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे देखो इसका एक पेरेंट्स का एक वो भी है कि मेरी बेटी को कुत्ता खा गया, माई डॉटर वॉज इटन बाय द डॉग्स, बट दिस इज़ वेरी बैड। तो म्यूनसिपैलिटी जस्ट सेंट अ वैन टू पिक अप द डॉग्स आफ्टर डॉटर डाइड, द थर्ड टाइम द वैन हैज कम टू दैट एरिया एंड डोंट ओनली कैच द फ्रेंडली डॉग्स नेवर द फेरोशस, सिर्फ अपने फ्रेंडली डॉग्स को कैच करते हैं, फेरोशस डॉग्स को कैच ही नहीं करके लेके जाते हैं। तो कम्युनिटी डॉग्स और कम्युनिटी किट्स को एक साथ कैसे रखा जाए, कई लोग तो अपने घर घर छोड़ के चले गए, सोचो आप ये कंडीशन हो गई। और यहाँ पे कई सारी फोटोग्राफ्स भी आप देख रहे हो, कई जगह पे स्टेट्स में बताया जा रहा है कि देखो जैसे यहाँ पर बात की जा रही है कि एक एक बंदे का कि लोकल ब्यूटी पार्लर थी, हर हस्बैंड इज बैक इन द विलेज एंड शी सेज इज मेंटली इल एंड पेट्रीफाइड डैट माई थर्ड चाइल्ड विल फॉल प्री टू द डॉग्स लाइक दैट, है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग जो सिस्टम है यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस है, म्यूनसिपैलिटी ठीक से काम नहीं कर रही है इसमें, और साफ साफ हमें नज़र भी आ रहा है। और इससे रिलेटेड देखोगे तो आप देखोगे कि ये होता क्यों है ऐसा, है ना, सोचने वाली बात है कि भाई वाई इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। तो रेगुलेशंस ठीक से नहीं की जा रही हैं, ठीक है, इफेक्टिव एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम नहीं चलाए जा रहे हैं, कुछ भी खिलाया पिलाया जाता है, इम्प्रॉपर डिस्पोजल है वेस्ट का, बिकॉज दे हैव लिखा भी हुआ है व्हाई दे डू अटैक। सबसे पहली बात तो क्या है, ह्यूमन स्ट्रेट
कॉन्फ्लिक्ट हटाने की ज़रूरत है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एज़ पर ABC रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल जो आपका रूल्स है 2001 का, अमेंड भी किया गया था, तो उसको और अपडेट करने की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन स्ट्रे एनिमल्स का बहुत ज़रूरी है कि उसको तुरंत बेसिस पे हटाया जाए, ठीक किया जाए। पर ये कह रहा है कि अटैक क्यों करते हैं स्ट्रे डॉग, क्योंकि ना वो हंग्री होते हैं, फीड ऑन लेफ्ट ओवर जो बचा बचा होता है वही खाते हैं, इम्प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल होता है, स्पेशली हॉस्टाइल वे हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड वेस्ट होते हैं। अनदर रीज़न डॉग स्टार्ट लुकिंग फॉर फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है, तो फिर वो स्ट्रे डॉग्स मोस्टली अटैक वल्नरेबल पीपल लाइक टॉडलर्स होते हैं, रैग पिकर्स और एल्डरली। तो वेल मीनिंग डॉग लवर्स हु फीड स्ट्रेज विद इन अ कम्युनिटी लिविंग एरिया डोंट रियलाइज दैट द रेगुलर फीडिंग अगर आप उन्हें दोगे ना मेक देम अग्रेसिव। रेगुलर फीडिंग अगर आपने उनको दी, सॉरी नॉट रेगुलर, इरेगुलर फीडिंग अगर आपने दिया तो वो उससे अग्रेसिव हो जाएंगे, दे बिकम फेरोशस, है ना। और पुअरली ट्रेंड डॉग कैचर्स भी हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आई वी राइज जो बहुत बड़ा डॉग का स्क्रैच करके लेके जाते हैं, वो सिविक बॉडीज ठीक से काम ही नहीं करती है। म्यूनसिपैलिटी वैन्स इस मामले में कुछ बहुत अच्छा काम नहीं करके दिखा रही है। सारी बातें हैं, तो देखो यहाँ पर एक बात और भी यहाँ पर कही जाती है कि खोली कर्व है, 30 किलोमीटर बरेली से एक दूर जगह है हरदुआ, ठीक है, यहाँ पर डस्टी विलेज है, सेमी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर डॉग्स पीपल बिटन बाय डॉग्स फ्लॉक हियर, तो सीताराम गंगावर स्टेट फार्मर था, तो उसका वहाँ पर एक उसने बताया कि हिज फादर हैड पास्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिम, द सेंट हैड ब्लेस्ड दिस वाटर इफ द पर्सन विद डॉग बाइट्स, इसमें सिप ले लेता है अगर किसी मिराकल वाटर में जो उसमें बोल रहे हैं वो, तो उससे वो क्या हो जाता है, ही विल नॉट डाई ऑफ रेबीज, से नहीं मरेगा वो, तो काइंड ऑफ। तो ये सारी लेकिन बातें एक तरफ हैं गाइस, लेकिन जो मेन म्यूनिसपैलिटीज़ हेल्प हैं इस वक्त वो बहुत ज़रूरी है कि वो ली जाए, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट योर दिस न्यूज़, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द पैरामिलिट्री फोर्सेज आर इन द डिस्ट्रेस कंडीशंस। तो पुलवामा का रिमेम्बरेंस अटैक तो हमारा फरवरी 14 को हुआ 2019 में, उसमें 40 पर्सनल जो CRPF के थे, डेट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के थे, इंडिया का लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स जो है वो, ठीक है। तो पुलवामा अटैक वॉज डिफरेंट एज इट रिजल्ट इन अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक आउटक्राई, इमोशनल रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त थे। तो बिफोर दिस डार्क डे अप्रैल 6 में 76 PR5 को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नंबरिंग इन 100 दंतेवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में, और सैडनिंग डेट दिस अटैरेबल अटैक वहाँ पर भी देखना पड़ा। तो इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो हमारी जो कंट्री में है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी अफेक्टेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और यू कैन से दैट देयर हैज़ बीन अ इनसिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज और टेररिस्ट अफेक्टेड कश्मीर। यानी कि अगर हम डी डिक्स करते हैं, डी इंडक्शन करते हैं इंडियन आर्मी का, टेकन प्लेस विद अ वॉइड फाइल्ड मेनली बाय द CRPF, पर्सनल्स ऑफ दीज फोर्सेज कंटिन्यू बी टास्क विद कैरिंग आउट हार्ड ड्यूटीज़। CRPF को बहुत CRPF के यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज से बहुत हार्ड काम कराया जाता है, और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज़ करा दी जाती है, टेक्टिकल स्किल्स की जो उनको ज़रूरत होती है वो नहीं दी जाती है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ उनमें पैदा नहीं की जाती हैं, वल्नरेबल कंडीशन में रखा जाता है इनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिन कम्पेल्ड टू इंटरेस्ट कि भाई नंबर ऑफ असाइनमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्कियर है बाय द डे ऑफ दिस फोर्सेज, स्पेशली जो आपके CRPF के हैं उनको भाई फ्लेक्सिबल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स भी तो सिखाने पड़ेंगे आपको। तो हिजन कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो रेगुलर आर्मी का है वुड इनवाइट एडवर्स अटेंशन फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रेस, है ना, कि भाई इसको ठीक करा जाए, ये कैसे इतनी हायर कैजुअलिटी रेट क्यों है हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास, कैसे अपना मोरल ऑफ द पर्सनल कैसे इसको इन्हांस होगा उनका मोरल या डाउन होगा, आप सोचो। तो पैरिटी नीड की ज़रूरत क्या है इस वक्त, तो कह रहा है कि भाई हमें ये सीखना चाहिए, प्रीवियस जितने भी हमारे पुलवामा अटैक रहा या और भी हमने जो दिखे देखे उससे आप सीखो कि कैसे इनकी फैमिलीज जो इतनी वल्नरेबल ज़िंदगी जी रही हैं, वो भी उनके लिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम बनाओ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन स्कीम वो स्टॉप फ्रॉम पर्सनल ज्वाइनिंग सर्विसेज आफ्टर December 31, 2003, तो उनको तो कम से कम 2000 तो अलग ही कंडीशन में, दे आर फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर और इतना सर्व कर रहे हैं, इतना इनकी जान पे बनी आती है, वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी साइट करा भाई स्टेटेड एज फोर्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन, तो इट इज़ नो सरप्राइज एज द रिमेंबरेंस वॉज यूज एज अ इवेंट और फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फील। जो देखो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को तो आपने बड़ा अच्छा कैंटीन्स वगैरह दी हुई हैं, स्टोर डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, है ना, और वॉर लाइक सिचुएशन में उनको कैसे ठीक करा जाता है डेली बेसिस पर इनके लिए क्या कर रहे हो आप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज़ पुलवामा अटैक से आपने जो सीखा है कि इस तरह का अटैक पहली बार तो दोबारा कभी ना हो, एनालाइज किए जाए, करेक्टिव मेजर्स लिए जाए, अप्रोप्रिएट तरीके से जेन्युइन ग्रीवेंसेस को सुना जाए कि उनकी क्या दिक्कत है, मोरल जो है इन फोर्सेस का उनको हाई करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, उनको टाइमली आप ट्रेनिंग दो ताकि इनके अंदर भी वही हाई कि हम देश के लिए कुछ कर दिखाएं, वो बेचारे मरे जा रहे हैं आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। अच्छा, इससे रिलेटेड ना गैस मैंने एक
वीडियो भी बनाया था, ठीक है, आज से मतलब 3-4 महीने पहले भी, तो वो आप डेफिनेटली मैं इसको लिंक में डाल दूंगी, तो उसको भी ज़रूर सुनना इस पैरामिलिट्री वीडियो के, पैरामिलिट्री वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पर एक आया है, एक ओपिनियन बेस्ड आया है कि आर एजुकेटेड वुमेन लाइकली टू मैरी लेटर, एजुकेटेड वुमेन लाइकली टू मैरी लेटर के बारे में हम बात करते हैं कि इस बार फरवरी में असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अभी मैसिव क्रैकडाउन कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, और सोशल एक्टिवनेस की रूट प्रॉब्लम बताई कि जो लोग, जो लड़कियाँ या जो भी महिलाएं हैं वो लिमिटेड एक्सेस अगर एजुकेशन का लेती हैं तो वो सफिशिएंटली नॉट एड्रेस। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा ये बताता है कि हायर एजुकेशन लेवल कुड प्ले अ ग्रेटर रोल देन वेल्थ इन डिलेइंग वुमेन्स मैरिज। तो फॉर एग्जांपल जो मीडियन एज ऑफ वुमेन है मैरिज की, हु हैज़ कम्प्लीटेड ओवर 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, अगर करें कि 23 कम्पेयर टू 17.6 फॉर वुमेन विद लेस देन 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, है ना, तो अगर आप करोगे तो एज अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो डेटा ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो मैरिटल एज रूरल वुमेन की है और अर्बन वुमेन की है, दलित की है, अपर कास्ट की, सबकी बड़ी डिफरेंट है। तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, अगर एजुकेशन चल रही है तो फिर एजुकेशन की वजह से क्या होगा, स्टडी इन्फ्लुएंस पड़ेगा उसकी शादी वादी पे। पॉवर्टी की वजह से लोग क्या करते हैं कि भाई ज़रूरत है, पॉवर्टी है, डॉटर को फटाफट शादी वादी करवा दो, वेल्थियर लोग, फिर वेल्थियर लोग नहीं इतने परेशान होते, जो लोग पुअर हैं उनके यहाँ समस्या आई है। तो पुअर जो पॉवर्टी है ग्रेटेस्ट डिटरमिनेंट है अर्ली मैरिजेस का, तो पुअर डू नॉट वॉन्ट टू वेट, क्योंकि उनको लगता है कि यार कहीं और डाउरी की डिमांड ना आ जाए, तो लेट्स कम्प्लीट इट नाउ। तो वाई डू रिच टू हैव अ ग्रेटर नीड टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर देयर यंग, तो कह रहे हैं कि फॉर द वेल्दी जो उनका परसेप्शन है अपने सेल्फ के लिए, स्टेटस के लिए, प्लेस विद इन द कम्युनिटी आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दैट दे फील दैट अगर पावरफुल एंड वेल्दी देन कैन नॉट इवन कंट्रोल द यंग, तो दे विश टू शेप द मैरिज चॉइसिस ऑफ द चिल्ड्रन टू मेंटेन है। अगर आप पढ़े लिखे हो गए हो, है ना, और वुमेन हो, आप पढ़ी लिखी हो, तो फिर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो चिल्ड्रन को कैसे कंट्रोल करना है ओवर लैंड असेट्स लेनेज, लेकिन ऐसा लोग है ना, लोगों का अपना ही मानना है। गुजर जो है, अमंग द गुजर यू कैन फाइंड अ वुमन बिट्रोथ बिफोर शी कम्प्लीट हर एजुकेशन एंड शी कंटिन्यूज एजुकेशन आफ्टर मैरिज, तो वहाँ पर ये भी एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रोल डज मैरिज प्ले इन इंडिया। देखो, बहुत सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ मैरिज, डॉटर्स के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियलाइज करनी पड़ती है आफ्टर मैरिज। वेन इट कम्स टू सन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सेटल देम, मैंने जॉब वगैरह कर लिया, फिर होपफुली मैरिज हो गई। तो मैरिज इज़ अ वुमेन्स प्राइमरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ पेमेंट, लाइक डाउरी है, फैमिली विल ब्रिंग टू द मैरिज, एंड उसके बाद सोशल आइडेंटिटी, वुमेन हु रिमेन सिंगल कंटिन्यूज टू बी एनोमली, है ना, बिकॉज कहा जाएगा कि अजीब है, कर क्यों नहीं रही है, सेक्सुअल रिस्पेक्टेबिलिटी नहीं कर रही है। तो दोज हु विश टू हैव अ सोशल रिस्पेक्ट हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इन मैरिज, है ना। तो आप जानते ही हो हमारी सोसाइटी के अपने ही पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी जो हमारे यहाँ मैरिजेस होती हैं, तो एज़ पर द ऑथर वो कह रहे हैं कि एंडोगैमस होती हैं। तो दिस इज़ सेंट्रल टू मेंटेनिंग कास्ट एंड कम्युनिटी लाइंस एंड हायरार्की। इन टर्म्स ऑफ जेंडर डायमेंशन अगर बात करें तो मैरिज बाय एंड लार्ज मींस दैट वुमेन लिव्स विद हर हस्बैंड्स फैमिली और इज सीन एज अ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ हर हस्बैंड्स फैमिली। तो वो अपनी कास्ट में ही शादी करनी, मेंटेन करना है अपने कास्ट हायरार्की को, कम्युनिटी लाइंस को, तो फिर एंडोगैमस मैरिज ही करनी पड़ेगी। एंडोगैमस का मतलब क्या होता है, अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोविजंस है। तो व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस दैट फैमिली सी इन गेटिंग वुमेन मैरिड अर्लीस्ट इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग देम फर्दर। तो कह रहा है कि तो मेंटेन कास्ट एंड हायरार्की और उसके बाद मैच केयरफुली मॉनिटर करा जा सकता है, इमोशनली अटैच होती हैं पेरेंट्स से, बट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देम एंड हेंस ओबीडियंट। तो फिर आप जानते ही हो वुमेन को इसीलिए फटाफट शादी करके निपटवा दिया जाता है। तो वुमेन्स आर इंक्रीजिंगली एक्सेस टू एजुकेशन, अगर उनका एक्सेस बढ़ाओगे आप, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट होंगी, तो फिर अपना डिसीजन खुद भी ले पाएंगे। अभी सीधी सी बात, अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हो फिर आपको उसको सुननी पड़ेगी। इसलिए बिकम इंडिपेंडेंट एंड टेक योर ओन चॉइस, टेक योर ओन डिसीजंस, दैट इज़ द पावरफुल वे टू लीड द वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। तो देर इज़ अ लिटिल चेंज इन द कंजुगल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लिटिल अटोनमी होती है गर्ल्स एंड वुमेन में। मोस्ट एजुकेटेड वुमेन फाइंड दैट एंटायर डोमेस्टिक बर्डन जो है उसी के ऊपर गिर पड़ता है ना। तो इट इज़ अ नैरो फोकस व्हेन वी गो ऑन अबाउट अंडर एज मैरिज इज अ मोस्ट हार्मफुल थिंग दैट इज हैपनिंग। इफ वी वर टू अज्यूम दैट अ हायर एज ऑफ मैरिज वुड ऑटोमेटिकली लीड टू मोर एम्पावरमेंट, कह रहे हैं देखो हायर एज जो होती है ना मैरिज की वुड ऑटोमेटिकली लीड टू मोर एम्पावरमेंट, मोर ऑटोनमी, मोर फ्रीडम, क्योंकि और ज़्यादा समझदारी डेवलप हो जाती है। अब रीजंस क्या है फॉर अ फैमिली सपोर्टिंग अ वुमन टू गेट एजुकेशन एंड गेट अ जॉब रादर देन गेटिंग मैरिड। देर आर फैमिली हुज डॉटर्स गेट इनटू स्मॉल जॉब्स में चले जाते हैं, अर्निंग करते हैं, मे बी देर ओन डाउरी, सो दैट दे डिले द मैरिज, हेल्पिंग इन द एजुकेशन ऑफ सिबलिंग, है ना, बट बियॉन्ड दैट इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। तो हर तरह से फ़ायदा ही है। देखो अगर वुमेन पढ़ी लिखी आएगी घर पर भी तो घर भी अच्छा चलाएगी फिर,
फिर वुमेन एससी एससी उनका क्या है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट दलित आदिवासी एंड ओबीसी देयर फेयर डील ऑफ कोरिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉवर्टी, क्योंकि इनके पास ना डिसेंट वर्क होता है, वायलेंस की वल्नरेबल ये होती हैं फ्रॉम दोज हायर इन दी हायरार्की, तो ऑल दोज फैक्टर क्या करते हैं, इनको और ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं, सेक्सुअल प्रेडेटर्स बना देते हैं. तो देर इज़ अ वेयर आई कैन कम कंसर्न जो है एनएफएच डेटा का, कि व्हेन वी एनालाइज इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, कास्ट आइडेंटिटी, कम्युनिटी आइडेंटिटी, रूरल अर्बन लोकेशन, वी आर ट्राइंग टू सेपरेट डिफरेंट फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट हु वी आर. तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें गाइज इन्वॉल्व होते हैं. सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को लीड करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ऐसा होगा. तो एजुकेशन अगर हर फील्ड में हर किसी को मिल रहा है, एक्सेसिबल है, तो बचे रहोगे. दिस इज़ अबाउट दिस न्यूज़ गाइज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. आज का वर्ड गाइज जो आया है वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ जम्बूरी. जम्बूरी मतलब लेविश सेलिब्रेशन, यानी कि गला, अफेयर्स, ब्लो आउट. तो लोकल फूड जम्बूरी इज बींग होस्टेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. लेविश सेलिब्रेशन को जम्बूरी कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखना आप इस टर्म का. आपको अपनी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करनी है इन ऑर्डर टू राइट गुड आंसर्स. ठीक है, हर एस्पेक्ट में अच्छा बनना है ना. ठीक है गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़. थैंक यू सो मच. कीप लिसनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल.